आज गोपनीय सूत्रों से गोपनीय सूचना मिली कि माओवादियों की एक बड़ी टुकड़ी पुलिस बल पर घात लगाकर हमला करे और निर्दोष आदिवासियों की हत्या करने के इरादे से छत्तीसगढ़ के मानपुर जिला के मोहल्ला मानपुर पुलिस स्टेशन गोडलवाही के पास बोधी टोला के पास डेरा जमाए हुए हैं। जब पुलिस बल इलाके की तलाश ले रहा था तब माओवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की, जिस पर पुलिस बल ने जवाबी कार्रवाई की। करीब एक घंटे तक गोलीबारी जारी रही। बाद में इलाके में तलाशी के दौरान एक AK-47 और एक SLR हथियार के साथ दो पुरुष माओवादियों के शव बरामद किए गए। उनमें से एक की पहचान शुरू में कसनपुर दलम के डिप्टी कमांडर दुर्गेश वट्टी के रूप में की गई थी, जो 2019 जम्बुलखेड़ा विस्फोट का मास्टरमाइंड था, जिसमें गढ़चिरौली पुलिस के 15 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। आगे की कार्रवाई और इलाके की तलाश जारी है। आज सुबह गढ़चिरौली पुलिस को एक गोपनीय माहिती मिली थी कि मोहल्ला मानपुर जिला छत्तीसगढ़, इसके बॉर्डर पे हमारी जो आखिरी गांव है बोधिन टोला करके, उसके आसपास एक नक्सल की बड़ी समूह उधर कैंप कर रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस पे बड़ी एम्बुश और घातपात करने की योजना बना रही है। उस अनुसार गढ़चिरौली पुलिस ने तत्काल 4 C60 की पथक और 1 QAT CRPF की पथक को रवाना किया। और जब ये टीम्स नक्सल विरोधी अभियान उस एरिया में कर रही थी, तो उस एरिया में नक्सलवादियों ने दोपहर के 3 बजे के आसपास हमारे ऊपर अंधाधुंध गोलीबारी की। प्रत्युत्तर में जब हमारे लोगों ने गोलीबारी किया तो उसमें से कुछ लोग वहां से भाग गए और बाद में एरिया सर्च में हमें 2 पुरुष मृतदेह वहां से रिकवर हुआ है। एक मृतदेह के साथ AK-47 और दूसरे के साथ SLR वेपन हमने हस्तगत किया है। प्रथम दर्शनी माहिती ऐसी मिल रही है कि जो AK-47 के साथ जो मृतदेह हस्तगत किया है, उसकी पहचान दुर्गेश वट्टी डिप्टी कमांडर कसनसुर दलम के तौर पे हो रही है। इनबीसी न्यूज के लिए गढ़चिरौली से संवाददाता की रिपोर्ट।